बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। बाबा जी का यह उद्देश्य, कष्ट मुक्त हो देश विदेश। पुरुषयनामी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। रानी इंदुमती ने देखा कबीर साहब का जलवा, तब बोली कि आप हमको मृतलोक में क्यों नहीं बताए कि मैं ही सब कुछ हूँ। अगर हमको आप मृतलोक में बता दिए होते मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी साधना क्यों करनी पड़ती, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तो बोले तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर यह जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम नहीं चल सकती थी, ना समाज में चल सकती थी, ना मृतलोक के किसी भी दुनिया स्थान में चल सकती थी, और ऊपर तो कदम कदम पर रोड़े आते रहे, लेकिन आपको मैं याद करती रही, बाधाएं हटती रहीं। आपकी दया तो महान है, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। इसीलिए कहा गया धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन राज, सात समुद्र में मश करूं। गुरगुण लिखा न जाए कि धरती को कागज बना दिया जाए, पेड़ को कलम बना दिया जाए, समुद्र में स्याही घोल दी जाए, लेकिन गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता है। तो प्रेमियों, जो आप गुरु महाराज के भक्त हो, आपको विश्वास करना चाहिए, जैसा गुरु कहें उसी में राजी रहना चाहिए, वही फायदेमंद होता है। एक दृष्टांत याद आ गया, सुना देता हूँ। एक महात्मा जी रहते थे, तो महात्माओं को कोई फिक्र नहीं रहती न तो खाने की, कोई स्वाद लेते हैं, खाने का उनको स्वाद नहीं, बस शरीर चलता रहे, डाल लेते हैं जो भी मिल जाए, और तन ढकने के लिए कपड़ा रखते हैं, कोई चमक दमक ऐसा पसंद नहीं करते हैं। उनका तो काम अलग होता है, उनका लक्ष्य अलग होता है, धन के भी भूखे नहीं होते। कहा ना, संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का, पर तेरे धन से कुछ काम कराऊं, भूखे भूखे को खिलवाऊं। वो जहाँ से लेते हैं वहीं लगा देते हैं, जिससे लिया, जैसे जनता से लिया, एक से लिया, दूसरे के हित में लगा दिया करते हैं। तो उनको जो है कहते हैं फक्कड़ हैं, ये फक्कड़ होते हैं वो साधु जो ऐसे होते हैं। तो कहते हैं कि जो लंगोटी लगाता है, त्याग करता है, उसी की पूजा होती है। भोगी राजा जितने भी हुए, पूजा किसी की भी नहीं हुई, महत्व उसी का बढ़ जाता है। जो इच्छा दुनिया की किसी भी तरह से किसी से नहीं चाहता है कि ये हमारे स्वार्थ की चीज़ दें या हमको जिसमें हमारा कोई स्वार्थ हो। तो महात्मा का नाम बहुत ज़्यादा था, जाते थे लोग, तमाम दुख तकलीफ दूर होती थी, और दुख तकलीफ दूर करने का, शांति का रास्ता भी वो बताते थे। जो भी उनके शरण में चला जाता था, किसी को लौटाते ठुकराते नहीं थे। तो राजा की सवारी जा रही थी, राजा लोग ऐसे घूमने निकलते थे अपने राज्य में, देखने के लिए, हर चीज़ का जायजा लेने के लिए, प्रजा को दर्शन देने के लिए, क्योंकि लोग देखते थे कि भाई हमारे राजा ऐसे हैं, इस तरह के हैं, उनको देवतुल्य मानते थे, क्योंकि पालन का काम राजा ही करते थे। तो एक तरह से समझो जैसे विष्णु पालन का काम सबका करते हैं, ऐसे अपने राज्य के यानी जनता का पालन राजा करते थे। तो सवारी जा रही थी, तो उनको याद आया कि भाई इसी जगह वो महात्मा कहीं रहते हैं। पूछा, बताया, यानी मंत्री ने पता लगाया, बताया, कहा हुजूर इधर रहते हैं। तो मोड़ दी गई सवारी उधर,
अब वो अपनी कुटिया में से निकले महात्मा जी और धूल मिट्टी इकट्ठा किया ऐसे ऐसे और ऐसे 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 कंगूरा बना रहे हैं तो ऐसा ऐसे दरवाज़ा बना रहे हैं तो ऐसे वो उसकी बाउंड्री खींच रहे हैं ऐसे बना रहे हैं ऐसे घर घर उदा जिसको बच्चे कहते हैं खेलते हैं बच्चे मिट्टी इकट्ठा करके गाँव में। मिट्टी से बड़ा तत्व मिलता है बच्चों को। अभी बच्चियाँ तो जल्दी मालिश नहीं करती हैं, कपड़ा गंदा हो जाएगा छोटे बच्चों की। अरे हड्डी मजबूत होती है बच्चों की। मिट्टी में खेलने से मिट्टी धरती का तत्व बच्चों को मिलता है, उससे स्वस्थ होते हैं। देखो बच्चे जो गांव के हैं कितने स्वस्थ रहते हैं और आप लोगों के बच्चे छींकते रहते हैं लेकिन करते रहते हैं कंधे पर डाल करके अस्पताल में ले जाती रहती हो, यही सब कारण है सीख नहीं पाती हो बच्चों की परवरिश किस तरह से किया जाए। आप ये समझो प्रेमियों की आवाज़ बच्चे की बता देती है कि अब हमको दूध चाहिए। आवाज़ पहचान में आ जाती है बच्चे की कि माँ के प्यार को चाहता है कि माँ के दूध को चाहता है, भूखा है। तो इस तरह से आप देखो बच्चा को दूध पिलाती चली जाती हो, कोई पहचान नहीं है, सत्संग में आती नहीं हो, सत्संग सुनती नहीं हो तो पहचान में नहीं आता है कि कैसे परवरिश की जाए। पिला दिया ज़्यादा दूध, अब मुँह से निकलने लग गया। अरे कंधे पर डालो फटाफट, थपा थप पेट दबाओ या लेटा करके पेट दबा दो, दूध पचना शुरू हो जाएगा। जैसे केला खाने के बाद इलायची खा लेते हैं हजम हो जाता है, जैसे बेर खाने के बाद गन्ना चूस लेते हैं हजम हो जाता है, चावल ज़्यादा खा लेने के बाद नारियल का पानी पी लेते हैं या नारियल का टुकड़ा खा लेते हैं हजम हो जाता है, ऐसे उनका भी हजम हो जाता है। तो वो ऐसे खेल कर रहे थे ऐसे बैठे हुए, राजा पहुंचा तो कह रहे ये महात्मा ये कौन महात्मा, तो फक्कड़ हैं तो खेल खेल रहे हैं बच्चे हैं। हर स्वभाव में आ जाते हैं क्योंकि हर किसी का दिल जीतना रहता है संतों को। गुरु महाराज देखो जैसी बचपनी की बात बच्चों से करने लगते थे कि लोग कहते थे ये महात्मा है। गुरु महाराज हमारे वहाँ गांव पर जब मैं रहता था, गांव छोड़े हुए तो बहुत दिन हो गया, 400 साल तो समझो कि गुरु महाराज के पास था, कभी कभी आना जाना रहा। आप तो इधर बहुत दिनों से नहीं जा पाया, तो गए घर पर तो अंगूर लगा हुआ था आंगन में, तो भाई साहब से हमारे बोले कि इसकी ज़रा गुड़ाई करा दीजिए, उसमें थोड़ा सा गऊ का डाल दीजिए गोबर, तो ये इसके फल जो निकलेंगे मजबूत रहेंगे मीठे निकलेंगे। गाँव वालों ने कहा अरे बाबा ये भी जानते हैं, खेती करना भी बाबा जानते हैं, बाबा लोगों को क्या पता कि खेती कैसे की जाती है, बाबा तो बैठे भोजन दे मुरारी ओ मसरत लगा करके बैठ जाते हैं बाबा लोग, बढ़िया कपड़ा पहन करके ओ दिखावे के हट्टे कट्टे दिखते हैं। उनको तो ज़बरदस्ती लोग दे आते हैं लो महाराज खाओ, और वही तकलीफ दे हो जाता है गृहस्थों के टुकड़े नौ उंगुल के दाँ तो भजन करे सो वरे नहीं तो फल। हाँ ये तो सोच नहीं पाते, तो आलोचना बुराई तो मुझे किसी की नहीं करनी है लेकिन सही बात मौके पर बोल देना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है। तो प्रेमियों कह अरे तो बाबा हैं ये क्या हैं, तो दादा गुरु के पास ये को आया तो दादा गुरु नामदान नहीं देना चाहते, हाँ तो लुटाया जा रहा है, उस समय तो देख देख करके नामदान देते थे, उसको नहीं देना चाहते थे। तो गए तो एक कुदड़ी वाली कोट थी, बहुत पंछे लगी हुई थी उसमें, ऐसे कपड़े छोटे छोटे ऐसे सिलाई सिले हुए थे, उसको आए पहन करके ऐसे बैठ गए। अब वो आया देखा ऐसे तो कहा ये नहीं जचे, चल दिया। एक गांव का आदमी पूछा तुम तो कह रहे थे गुरु करने जा रहा हूँ क्यों लौट रहे हो, बोले जी गुरु जमे नहीं हमको जचे नहीं है। लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, अरे बोले बड़ा कर्मी था, एक बार में नामदान देने लायक नहीं था, एक बार में सफाई करने से बहुत कर्म आते, इसलिए जब बार बार आएगा तो फिर आएगा। दादा गुरु से पूछा फिर आएगा, दर्शन का लाभ तो मिल ही जाएगा, संस्कार तो उसके अंदर बन ही जाएगा, फिर आएगा, बुद्धि तो उसकी भी बदल ही जाएगी, ऐसे एक बार में न बदलती लेकिन दोबारा फिर बदल जाए। तो देखा तो राजा ने तो देखा, क्या देखा, हनुमान के शरीर को देखा, उनको नहीं देखा कि उनके अंदर क्या है, उनकी आत्मा कहाँ आती जाती है, इसकी जानकारी राजा को तो हो नहीं पाई। राजा ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, अरे बोले राजा महल बना रहा हूँ। महल ये कैसा महल, अरे ये बहुत कीमती महल है, ये तो लाख लाख टके का महल है, लाख लाख टके का है। टका किसको कहते थे, रुपया को,
अभी पूरा बंगाल में अब भी रुपया को टका कहते हैं, टका अच्छे पिता से कहते हैं, टका अच्छे बच्चे कहते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेम कि उस समय पर बड़ी कीमत थी, सोने चांदी सिक्के चलते थे और लाख रुपए बड़ी कीमत थी, लेकिन राजा के लिए लाख रुपया क्या कुछ नहीं, चाहता तो दे देता। अरे बोला ये फक्कड़ हैं, ये मिट्टी और पत्थर लाख रुपए का ये क्या, अरे ले ले राजा मौका है तेरे लिए, ये बहुत कीमती महल है। कुछ नहीं चला गया, रानी की सवारी पीछे आ रही थी तो रानी ने देखा धार्मिक होती है, कर्म कम होता है इनमें, क्योंकि घर से कम निकलती हैं, जो घर से बाहर निकलते हैं कमाई के लिए जाते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं कहीं से भी। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि कहीं से भी ले आओ, बड़े आदमी बन जाएं, लोग हमको सम्मान इज्जत देने लग जाएं, बढ़िया गाड़ी में चलने लग जाएं, कि उतने तो प्रणाम करें सलाम करें। किसको सलाम करते हैं, इसी मिट्टी के पुतले को सलाम करते हैं, इसी को करते हैं, ये ध्यान नहीं रखते। लेकिन सब कर्म करके ले आते हैं पैसा, और ये क्या करते हैं, ये तो अपना सेवा करके और जो खाती हैं उसको अपना अन्य बदल देती। यह भी समझ लो जो करता है उसी को भोगना पड़ता है, अच्छा करेगा तो उसको मिलेगा, बुरा करेगा उसको मिलेगा, जो करेगा परिवार में भी करेगा तो समझो कि उसी को मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आप ये समझो कि यानी वाल्मीकि डाकू से यानी सवाल महात्मा ने यही तो किया था कि अपराध जो तुम करते हो ये इसके भागीदार यानी तुम्हारे परिवार वाले भी होंगे या तुम ही होगे। कह परिवार वालों ने पूछा, कहा ना 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 पाप के भागीदार हम नहीं होंगे। तो ऐसे ही तो रानी धार्मिक थी, रानी ने कहा प्रणाम किया, कहा महाराज ये क्या कर रहे हो। अरे बोले रानी मकान बना रहा हूँ, महल बना रहा हूँ। अरे महाराज ये कैसा महल, उसने भी सवाल किया। कार लाख लाख टके का ये महल है, बहुत कीमती है, किसको मालूम है। रानी ने कहा अच्छा महात्मा की बातों में दम होता है, कहते ना बुद्धि कभी सही रहती है कभी खराब हो जाती है, वही मैंने कहा ना रजोगुणी रे चलती है, कितना भी मन कहे भजन करने को तो कहते हो नहीं 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 गर्मी लग रही है पंखा तेज करो एसी चालू कर दो फिर कर लेंगे। आप समझो कि तमोगुणी रील आ गई, अरे कुछ नहीं मारेंगे काट देंगे। आप ये समझो सतोगुणी रील आ गई, भाव तो उठा कि चलो चल देते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन ध्यान में सुमिरन में साप्ताहिक सत्संग में चलते हैं, लेकिन फिर तमोगुणी रील आ गई, फिर रजोगुणी रील आ गई, बस रुक जाता है यार। तो रील अच्छी चल रही थी उसकी, कहा साधते हुए न कारज है, ज्यों केले के पात के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात। तो बात तो कुछ जरूर है, दे दो अपने लिए क्या है, खजाना भरा है लाख टका क्या, अपने पास तो खजाना भरा हुआ है, बहुत पैसा था राजा लोगों के पास, बहुत पैसा रहता था। अब वो जो राजा मरे तो जहाँ खजाना था वहीं कोई सांप बन करके रखवाली कर रहा है, और कोई वो कबूतर बन करके रखवाली कर रहा है, वहीं मरता रहे। कहते ना जहाँ धन जाता है वहीं मन जाता है, लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके उसको भोगने के लिए आना पड़ता है। आप देखो प्रारब्ध आपके अच्छे थे, जाते जाते बच गए रुक गए, तो प्रारब्ध से आपको यह मनु शरीर मिल गया, प्रारब्ध से ही आपको गुरु महाराज जैसे प्रेमी और संत मिल गए और नामदान मिल गया, तो प्रारब्ध उसी से बनता है। तो रानी ने कहा ले लो, हुक्म दिया कैशियर खजांची को, दे दो लाख टका इनको और ले लो एक मकान। और ले लिया राजा, रात को गया थका थकाया था, खाया और सोया, जब तो देखा सपना कि यमराज आए हैं और मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ कि अभी हमारा सब काम अधूरा है और हमको तो अभी दस्तखत करना है, हमको तो सब नियम कानून बनाना है, हमको तो प्रजा का ये काम बाकी है, हमारा तो सब बहुत रह गया है, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़े। और प्रार्थना करने पर भी मैं जब तैयार नहीं हुआ जाने के लिए तो लगाए कोड़ा मरे, अब घसीटते हुए ले गए और यमराज के सामने पेश किया। यमराज ने कहा कहा कि इसके कुछ अच्छे कर्म भी हैं तो अच्छे कर्म इससे भोगवा दिया जाए, पहले राजा रहा है कुछ अच्छा कर्म किया है, जनता का भला किया है, कुछ खिलाया पिलाया है, नंगे को कपड़ा पहना दिया है, भूखे को रोटी खिला दिया है, ये सब पुण्य इसने कुछ किया है तो इसको
अभी ले जाओ उधर कुछ दिन विश्राम कराना। तो राजा ने कहा चलो विश्राम कराओ। राजा तो महल में रहते थे, एक तरफ देख रहे थे बढ़िया बढ़िया महल बने हुए हैं, दूसरी तरफ देखे या कुछ साधारण किस्म के घर बने हुए हैं, फिर और आगे बढ़ा झोपड़ियों में लोगों को देखा, फिर आगे जब और बढ़े राजा तो एक तरफ तो महल दिखाई पड़ रहा है, तख्तियाँ लगी हुई हैं महलों के सामने बाउंड्री वॉल पर, तख्तियाँ लगी हुई हैं, नाम लिखा हुआ है कि ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है। राजा पढ़ता हुआ जा रहा है, उधर देख रहा है कि मरे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, नंगे घुमाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, ये सब देख रहा है और घबरा रहा है। लेकिन अब विश्राम के लिए जब मौका मिल गया, विश्राम करो, तो विश्राम का क्या मतलब समझा उसने। वो तो समझा कि अभी हमको ले चलेंगे, जैसे महल में हम थे तो राजा हैं, भूलता कोई अपने को जल्दी छोड़ो, जल्दी नहीं भूलता है। रामलीला हो रही थी, रामलीला का है सुना दें आपको, रामलीला हो रही थी। तो ये हुआ कि भाई यानी रामलीला में क्या हुआ कि जो हनुमान जी बनते थे उनकी हो गई तबीयत खराब। तो जब तबीयत खराब हो गई तो लोगों ने सोचा किसको बनाया जाए, उसमें थोड़ा तंदुरुस्त आदमी चाहिए। तो वहीं रामलीला मैदान के पास में एक हलवाई की दुकान थी, बोले उसको बना दिया जाए, होशियार है वो, मिठाई तो कितना बढ़िया बनाता है गोट पीट के, उसको बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बन पाएगा, अरे बोले सिखा देंगे, रिहर्सल करा देंगे, बोल ले जाएगा, बोलने तो है उसमें क्या है, और बाकी तो बढ़िया कपड़ा पहना के तैयार कर देंगे। गए उससे कहे तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं, और हनुमान जी सोचा उसने कितना नाम हो जाएगा, फोटो खींच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, हमारा लोग पैर पकड़ेंगे, हमारे ही फोटो के सामने हमारी ही दुकान की मिठाई ले जाएंगे, चढ़ाएंगे, कितना नाम हो जाएगा। लेकिन बोला भाई झूठ बोलना तो ठीक नहीं है, मन में सोचा तो कहा देखो भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बन तो जाऊँगा जो आप कहोगे। अरे बोले तुमको हम पढ़ा देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो, चलो। तो ले गए, खूब पढ़ाए दिन भर, रिहर्सल कराए, बुलवाए भी, लेकिन जब वो मंच पर पहुँचा और देखा स्टेज पर रावण बैठा हुआ है, अरे तो डर गया, घबरा गया, मूछों का देखा और आँख जब देखा इसे तैर रहा है, देख रहा है इनको, तो घबरा गया। और जैसे उसने डांटा, ऐ बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम, कैसे यह भूल गया कि हम हनुमान जी हैं। तो वही नाम जो पहले लोग कहकर पुकारते थे वही उसको याद रहा, कहा है बंदर क्या है तेरा नाम। डर के बोला सरकार के दुहाई हम रामदास हलवाई, सब काम खराब कर दिया। ऐसे ही राजा को भी यह था कि मैं तो राजा हूँ, राजमहल में अभी हमको विश्राम कराया जाए, और एक तरफ से ऐसे देखता चला गया कहीं कोई तख्ती नहीं लगी, पूछा ये क्या है, ये तख्ती लगी है जिनका ये महल है। फिर एकदम किनारे जब पहुंचने लगा तब तो रानी का नाम उस पर लिखा हुआ था, बोला हाँ ये मेरी रानी का है, ये महल है, ले चलो इसमें हमको ले चलो। गेट पर जब दूध ले गए तो वहाँ जो दरबारी खड़ा हुआ था, कहा क्या नाम है तुम्हारा, यह नाम है, तो कहा ये तो इस रानी का महल है। अरे मेरी रानी है, अरे तेरी रानी जब थी तो मृतलोक में थी, यहाँ तेरी रानी कहाँ आ गई, तू जा अपना मकान खोज, हट जा नहीं तो अभी तेरे को यहाँ सेवक सिखा देंगे। और राजा घबराया, और तब तक राजा की खुल गई आँख, सपने में देखा तो रानी से, रानी को जगा करके ये सब बात बताया, तो रानी भी होशियार थी, अरे बोली राजन महात्मा का दर्शन आज आप दिन में किए थे, बोले हाँ किया था, कुछ कहा था उन्होंने, अरे फक्कर महात्मा का क्या क्या वो कहेंगे, वो तो मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे, खेल कर रहे थे, कह रहे थे कि ये ले 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 राजा, लाख टके का है, अरे राजन आप चूक गए, आप चूक गए, आपका महल बन जाता वहाँ शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन आप तो चूक गए, आप तो चूक गए। अरे तो उन्होंने कहा रानी तुम्हारा वहाँ लेबल लगा हुआ था, तुम्हारा वहाँ प्लेट नेम प्लेट लगा था, तो कहा तो मैं तो 1,00,000 का खरीद के आई थी वहाँ,
तब उसको ये विश्वास हुआ कि ये चीज़ें जाने वाली नहीं हैं, वो जो अनिवी परमार्थ में मन को धन को तन को लगा देते हैं वही चीज़ वहाँ आगे काम आती है। तो देखो ज़्यादा समय नहीं लेंगे बाबा, क्योंकि नामदान भी देना। तो आज जो नामदान लेने के लिए आए हो आप ये समझो कि 22 घंटा आपको इस शरीर के लिए काम करना है और 2 घंटा अपने आत्मा के लिए। आत्मा ही शरीर को चलाती है, आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती है, आत्मा के लिए करना है। बहुत सरल है, बहुत आसान है, इससे सरल साधना इस समय पर दुनिया में लोक और परलोक बनाने का कोई है ही नहीं। ना आपको घर छोड़ना है, ना जमीन जायदाद छोड़नी है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में आप रहते हो तो गृहस्थ आश्रम में रहो, माता पिता की सेवा करो, परिवार आ गया, बच्चे हो गए, औरत आ गई, उनका देख रेख रखो। 22 घंटा अपने शरीर के चलाने के लिए काम कर लो, खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का कर लो, घर मकान बना लो, सब कर लो, लेकिन 2 घंटा समय निकालो अपने आत्मा के लिए। इसको खुराक दो, ये जब ताकतवर हो जाएगी, ये जब बलवान हो जाएगी, तब करोगे कम मिलेगा ज़्यादा। यहाँ तक के प्रमाण मिलता है कि जो इच्छा किन्हीं मनमाही हर पता कर दुर्लभ नहीं, जिस चीज़ की इच्छा आदमी करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। सती सावित्री ने देखो इच्छा ही किया कि पति का प्राण वापस हो जाए, देखो सती अनसुया ने इच्छा किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश छोटा छोटा बच्चा बन जाए, हनुमान जी ने इच्छा किया कि हम छोटे बन करके उड़ करके जाएं और संजीवनी बूटी लेकर के आ जाएं। छोटे बन गए, जब वहाँ पहुँचे देखा संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आ रही है, तो लो पहाड़ ही उठा करके लेकर के चले चलें। तब भारी भरकम शरीर बनाने की इच्छा किया, गर्मा शक्ति उनके अंदर आ गई और फिर उसको उठाया पहाड़ को और ला करके रख दिया यहाँ। तो इच्छा करने से ही ये सब अड़िमा गड़िमा महिमा लघुमा यह सब सिद्धियाँ आ जाती हैं, दुनिया की ये सारी चीज़ अपने आप मिलने लग जाती है प्रेमियों, तो दुनिया बन जाती है। और दीन बनना किसको कहते हैं, ऊपर के लोकों में, देवी देवताओं के लोकों में, उधर ब्रह्म लोकों में जब जीवात्मा ये जाने लग जाती है तो वहाँ की ताकत इसमें आ जाती है। वहाँ जितनी भी जीवात्माएँ पहुँच जाती हैं वहीं की पूरी ताकत आ जाती है। आप ये समझ लो कि परछाई इधर चक्रों पर इन देवताओं के लोग देख लेते हैं, उनके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है। बुरा चक्र का भेदन करने वालों के अंदर त्याग की भावना आ जाती है। आप ये समझो कि मल त्याग करने का स्थान वही होता है, त्याग की भावना आ जाती है जहाँ से क्लिंग क्लिंग की आवाज़ होती रहती है। आप ये समझो आगे बढ़ते हैं, जब नदी इंद्रिय चक्र पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सरस्वती का दर्शन जब होता है तो समझो वाक्य में सरस्वती का निवास रहता है। कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, कुछ भी, उसमें सिद्धि बहुत सिद्धियाँ आती हैं, कहाँ तक आपको बताऊँ कम समय में। तो ये सिद्धि तो परछाई पड़ने से मिल जाती है, उनका दर्शन होगा तो सिद्धियाँ मिल जाएंगी, उनका दर्शन जब होगा उन्हीं का रूप हो जाता है, उन्हीं की ताकत मिल जाती है। तो अपनी आत्मा को वहाँ भी पहुँचाओ आप, सीधा सरल रास्ता आज आपको बताऊँगा जो हमारे गुरु महाराज बताते रहे। नामदान देना यह कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है, लेकिन यह इतिहास बता रहा है कि एक समय पर एक संत ने, जब से संतों का प्रादुर्भाव हुआ, एक ही आदमी को नामदान देने की मान्यता दिया है। शिष्य तो बहुत थे, नामदानी तो उनके बहुत थे, लेकिन एक ही को दिए, जैसे कबीर साहब ने नानक जी को दिया। नानक जी जो अपने शिष्यों को देते रहे, वो जो गुरु गोविंद सिंह थे, रतन राव जी को दिया, रतन राव जी के बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने श्याम राव जी को दिया, श्याम राव जी ने यानी इनको आपके दिया, राधा स्वामी का जो श्री दयाल जी महाराज नाम आगे बढ़ाए, और फिर विष्णु दयाल जी महाराज को दिया, विष्णु दयाल जी महाराज ने भोरे राज जी महाराज को अधिकार दिया, उनके भी बहुत शिष्य थे, यानी गुरु महाराज के भी बहुत गुरु भाई थे, लेकिन अधिकार किसी को नहीं दिया, गुरु महाराज को दिया। तो एक समय पर एक को अधिकार मिलता है। अब आप ये समझो जिसको अधिकार मिलता है उसके मुँह से जो निकला हुआ नाम होता है वही फलदायी होता है। पीपल पाकड़ और रसाल ये तीन पेड़ होते हैं, तो पीपल पाकड़ और रसाल का बीज अगर नीचे गिर जाए,
फल गिर जाए तो जमता नहीं। पक्षी जब फल को खाता है और बीज को नीचे गिराता है, उसके मुंह से जो निकला हुआ बीज जमीन में गिरता है वो जमता है। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि नामदान अगर नहीं दिया जाएगा तो अधिकार जब दिया है कहीं को तो कैसे मिल पाएगा लोगों को। दूसरी बात, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। नामदान देना नहीं चाहता था तो एक बार तो पहले ही बोल के गए थे नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे, मेरे लिए मुझको मंच के बगल खड़ा करके कह कर गए थे, और दोबारा फिर आदेश दिया नामदान देना शुरू कर दो। नामदान दे दोगे या भजन करने लगेंगे, मान लो शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो प्रेमियों, नामदान सबको देता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लाखों लाख की भीड़ गुरु महाराज के कार्यक्रम में होती थी और मेरे भी कार्यक्रम में प्रेमी आते हैं। गुरु महाराज के भी प्रेमी बहुत से आते हैं जो गुरु के वचनों को पकड़ रखे हैं, गुरु की दया दुआ का जिनको अनुभव है वो यहाँ भी आते हैं, और गुरु महाराज उनके अंदर आज भी मेरे पास आने पर दया का अनुभव कराते हैं। तो पुराने भी आते हैं और तो नए लोग बहुत आने लग गए जब से नामदान शुरू हुआ, बहुत से नए लोगों ने नामदान लिया, नए लोग भी बहुत लोग नामदानी आते हैं। तो अब आप ये समझो, नामदान तो सबको देता हूँ, विदेशों में गया 15-16 देशों में नामदान दिया हूँ, गया तो और कई देशों में, लेकिन वहाँ ऐसा संयोग नहीं बना, वहाँ मिशन परमिशन तमाम चक्कर था, लेकिन जहाँ पर व्यवस्था बनी वहाँ सब जगह नामदान दिया, उसमें कोताही और बेईमानी नहीं करता हूँ। शरीर काम दे न दे, लेकिन हौसला और हिम्मत बराबर बनाए रखता हूँ कि नामदान दे दिया जाए इनको। एक होता है वर्णात्मक नाम, जैसे महापुरुष आते हैं तो जगाते हैं, उससे लोगों का भी भला होता है, उनके मिशन में भी कामयाबी मिलती है। जैसे राम नाम को जगाया राम ने तो विश्वास उससे लोगों का बढ़ा, बंदर और भालुओं के अंदर हिम्मत आई, विश्वास हो गया कि ये अवतारी हैं, ये इस समय पर भगवान हैं, ये कभी हार नहीं सकते हैं, इसलिए उनका साथ उन्होंने दिया। और जब पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया, पुल बन गया, तो उनको पार होने में मदद मिली, उनके मिशन में भी ये राम नाम काम आया। कृष्ण आए कृष्ण नाम जगाए, राधा स्वामी आए राधा स्वामी नाम जगाया। आप ये समझो, वाहे गुरु नाम किसने जगाया, नानक जी ने जगाया, सत साहब नाम किसने जगाया था, कबीर साहब ने, ये तो वर्णात्मक नाम था। इसको समझ लो आपकी, जैसे लोहा को पारस पत्थर से छुआ हो तो सोना बन जाता है, लेकिन लोहा के ऊपर अगर जंग लगा हुआ रहे, गंदगी लगी रहे तो नहीं सोना बनता। तो समझ लो कि उसको साफ करना पड़ता है, रेगमाल से साफ करते हैं उसको। तो ये समझ लो कि एक तरह से जीवात्मा के ऊपर जो कर्म लगे हैं उनको सफाई करने का एक रेगमाल है, जान माल की रक्षा करने का अन्य लोगों के लिए, ये समझ लो जय गुरुदेव नाम जागृत नाम है। मुसीबतों में आराम पाने का ये जय गुरुदेव नाम है। विश्वास के साथ इस जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब घर में लोग बोलने लग गए, एक घंटा परिवार वालों को बुलवाने लग गए, तो आप बताते हैं कि तकलीफों में बहुत आराम मिल गया, बीमारियां भी कम हो गईं, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ भी नहीं के बराबर हो गया, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती थी उसमें भी अब अच्छा दिख रहा है, हर तरह से फायदा लोगों को दिखाई पड़ा। जब आया कोरोना और कहा जाता था, नहीं मानते थे, कहते थे हम तो सत्संगी हैं, गुरु तो रक्षा करेंगे ही, गुरु तो सब कुछ हैं, ये नहीं देखे कि हम मनमुख चला हैं, गुरु हमारे कहते हैं गुरुमुख बनो, लेकिन यानी मनमुखी काम करते हैं। तो जब हुआ कोरोना तब फिर याद किए गुरु को, याद तमाम फोन आते थे उस समय पर, कोई कहता था भाई को हो गया, कोई कहता पत्नी को हो गया, कोई कहता रिश्तेदार को हो गया, आए दिन ये फोन सुनने वाले परेशान हो जाते थे। समझो जो हमको हाल चाल बताते हैं फोन से ये कई लोग, लेकिन जब बताया गया कि निमित्त मात्र के लिए ये दवा करो,
कहीं खोजना नहीं है, तुम्हारे ही पास है, इसको आप इस्तेमाल करो। जय गुरु नाम की धुनी बोलो। तो जिनका केस बिगड़ा नहीं था वो विश्वास के साथ जय गुरु नाम की धुनी बोलने लग गए, जय गुरु नाम बोल कर दवा इस्तेमाल करने लग गए और गुरु की दया हो गई, ठीक हो गए। तो जय गुरु नाम ये समझ लो प्रेमियों, यानी इस समय पर डूबते हुए को यानी समझ लो जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो, खंभा पकड़ में आ जाए, जान बच जाए, ऐसे खंभे की तरह से डूबते हुए के लिए सहारा। तो जय गुरु नाम की ध्वनि आप लोग बुलवाना शुरू कर दो। घर से निकलो, जय गुरु नाम की ध्वनि बोलो। रास्ते में जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, अंदर अंदर ही जय गुरु नाम ध्वनि बोलते रहो। दुकान खोलने से पहले ध्वनि बोलो। आप ये समझो कोई चीज तोलने सौदा देने से पहले अंदर में ही जय गुरु नाम की ध्वनि बोल लो। कोई भी काम करो जय गुरु नाम ध्वनि बोल कर करो। जय गुरु नाम ध्वनि बोल कर भोजन बनाना शुरू करो। भोजन बनाने के बाद जय गुरु नाम की ध्वनि बोल करके, भोग लगा करके, गुरु को याद करके, भोग लगा करके फिर खाओ तो वो प्रसाद बनेगा। फिर वो खाना नहीं रह जाएगा, खाना 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 खाना, भोजन 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 नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। प्रसाद फलदायी होता है, प्रसाद के लिए दौड़ पड़ते हैं लोग, चाहे यानी गिर पड़े, दांत टूट जाए, प्रसाद का नाम सुन करके दौड़ते हैं। तो जब प्रसाद बन जाता है तो प्रसाद फायदेमंद होता है। तो अब आप तो समझो ये जय गुरु नाम बराबर याद रखना। जो नए लोग आए हो कैसे बोलोगे जय गुरु नाम की ध्वनि, बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इसी तरह से जय गुरु नाम के ध्वनि बोलना है और बुलवाना है, लोगों को बताना है। जो भी मिलने जुलने वाले रिश्तेदार परिचित लोग हैं सबको बताओ, किसी का भला हो जाए आपके वजह से, यही है परमार्थी काम, दूसरे का भला कर दो। सबको बताओ जिससे कोई स्वार्थ ना हो, कोई पहचान ना हो, उसको भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब फायदा उठाएगा तो पैर छुएगा। अभी तो आलोचना भी कर सकता है आपका, गाली भी दे सकता है अगर गंदगी अंदर भरी हुई है उसके, मांस मछली अंडा शराब चोरी व्यापार कतल खोल कर, इसका जब भरा हुआ है जो, तो वो मुँह से निकलेगा। शिव गुरु नाम जब कान से अंदर जाएगा तो गाली गुप्ता भी दे देगा, लेकिन जब कर्म कट जाएंगे, मान लो बोलने ही लगा तो समझो फिर पैर छुएगा आपका और कहेगा आपने मेरी जान बचा लिया, नहीं तो मैं तो कहाँ से कहाँ चला गया होता। तो ये तो है वर्णात्मक नाम मुँह से लेने वाला। देखो ब्रह्मी, आप ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे देश का कोई नुकसान हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी धर्म का हो, किसी यानी समझ लो धार्मिक ग्रंथ का हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है। देशभक्ति का काम करना है, मानव प्रेम का काम करना है, जन जन में प्यार मोहब्बत का जज्बा भरने का काम करना है, अपना एक अलग आध्यात्मिक मंच बनाना है, आध्यात्मिक बनना है, लोगों को आध्यात्मिक बनाना है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले
व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600070। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।